आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर्स से रिलेटेड एमसीक्यू के बारे में। तो चैनल पर नया आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर ज़रूर करें। पहला क्वेश्चन है 132वां डूरंड कप 2023 का खिताब किसने जीता। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, मोहन बागान। दूसरा क्वेश्चन है पुरुष हॉकी 5S एशिया कप टूर्नामेंट का खिताब भारत ने किस टीम को हरा कर जीता है। तो बी नंबर सही होगा, मतलब पाकिस्तान। तीसरा क्वेश्चन है हाल ही में राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड RCF को नवरत्न का दर्जा दिया गया, RCF का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर, मुंबई में स्थित है, बी ऑप्शन सही होगा। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर हीथ स्ट्रिक का निधन हो गया है। तो जिम्बाब्वे, मतलब सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया। तो नेपाल में किया गया है। क्वेश्चन नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में श्री राम राजा लोक की आधारशिला रखी गई। तो मध्य प्रदेश में रखी गई है। हाल ही में किसने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, प्रवीणा आंजना ने। फिर क्वेश्चन नंबर 8, किस देश में अक्टूबर माह को हिंदू हेरिटेज मंथ घोषित किया है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी जॉर्जिया अमेरिका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो मध्य प्रदेश में किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, शांत थाउटम को सम्मानित किया गया। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल पर नए आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।